हाँ, आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स हंड्रेड बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी जेसस क्रिस्ट के होने से 600 साल पहले से हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते थे। कैसे जानते थे, उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। और अगर हम बोले कि मैग्नेट इज इन्वेंटेड बाई ए सैफर्ड, सैफर्ड क्या होता है बताओ तो? जो भैंस चराता है, गाय चराता है, भेड़ चराता है, बकरी चराता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेफर्ड। और उस समय लोग उनको, उस समय जो है पशुपालन बहुत बड़ा एक बिजनेस था। बहुत ह्यूज अमाउंट में, लार्ज नंबर में भेड़ बकरी गाय भैंस को लोग पालते थे। तो उनको खिलाने के लिए वो लोग जंगल में ले जाते थे। तो एक घटना घटी है 600 BC में, और वो जगह जो था, द प्लेस कहाँ पे था, दैट इज इन ग्रीस। आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया। समन कम नो ग्रीस, ठीक है। और जो आइलैंड था जहाँ का ये घटना है, दैट इज मैग्नेशिया। तो सर्फर्ड लोग यूज करते थे वुडन शूज, लकड़ी का चप्पल, जूता, जो भी बोलो, टू प्रोटेक्ट देयर फूट्स। और उसमें नेल लगा होता था, कांटी। और एक बार वो लोग वहाँ घूमते घूमते जब पहाड़ी पे चढ़े, तो उसके शूज पे बहुत सारे स्टोन जो है वो चिपक गए, ठीक है। और ये बात धीरे धीरे लोगों तक गई कि वहाँ पे एक ऐसा स्टोन पाया जाता है जो नल को अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। और लोगों ने उसको फर्स्ट टाइम जो नाम दिया था, पहला बात है कि वो स्टोन जो होता था वो काफ़ी भारी होता था। कॉमन स्टोन से वो स्टोन जो था नॉर्मली भारी लगता था, इसलिए उसको नाम लोड स्टोन भी दिया गया, ठीक है। और कुछ लोग उसको ऐसे ही किसिंग स्टोन भी बोलते थे, किसिंग स्टोन, लोड स्टोन और किसिंग स्टोन। और उसके बाद इसका यूज भी उस जमाने में हुआ। कहा जाता है एक लड़ाई लड़ी गई थी चाइना में एक लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें जो वहाँ के जो राजा थे उसका नाम था ऐसी कोई हुआंग टू, ऐसे नाम था उसका, ठीक है। और उनको एक लड़ाई जो है जीतना था। तो होता क्या है कि लोग अटैक करते थे, सडन अटैक, ठीक है। तो उनको लगा कि अगर हम लोग, जब हमारा वेदर फॉगी होगा है ना, तो लोग हमको आते हुए देख नहीं पाएंगे, ठीक है, और उस समय लोग अटैक करेंगे। लेकिन उस आर्मी तक जिसको हराना है, जिसको डिफीट करना है, वो काफ़ी दूर था। और उनको तब फॉगी वेदर कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उनको रास्ते ही उनको चलना पड़ेगा। और आपको तमाम में लड़ाई है, जो लड़ी जाती है वो मतलब थोड़ा सा दुर्गम जगह पर लड़ी जाती है, पहाड़ पर्वत इस तरह का जो होता है वहाँ पर लड़ी जाती है। तो कैसे वहाँ पहुँचा जाए, कहीं ऐसा हो कि रास्ता भटक जाए, या हो सकता है वो लोग रास्ता एक बार भटक भी गए थे कि अर्ली इन द मॉर्निंग अटैक करने के लिए।
अचानक एक इंजीनियर एक डिवाइस अरेंज करके दिया था, और वो एक स्टैचू बनाया था जिसका हाथ जो है हमेशा साउथ की तरफ रहता था, और उसका यूज उसमें मैग्नेट रखा था। मैग्नेट का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर कोई भी छोटा सा मैग्नेट हो, अगर उसके मिडिल में अगर हम उसको एक रोप से बांध के फ्री छोड़ देते हैं, तो जब वो रेस्ट पोजीशन पे आता है तो उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ, दूसरा एंड साउथ की तरफ होता है। और ये उसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का यूज एक इंजीनियर ने किया, उस आर्मी के लिए एक ऐसे स्टैचू बनाया, और स्टैचू जो था, जो चैरियट होता है या फिर जो क्या कहते हैं जिससे चल के लोग लड़ाई के लिए जाते हैं या फिर उसको लीड करते हैं, उस चैरियट के आगे लगा दिया था। और उससे उसको पता चल रहा था कि हम लोग रैली में कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। और इस तरीके से युद्ध जीत लिया जाता है, और इसका मतलब है कि मैग्नेट हेल्प द आर्मी टू विन द बैटल। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट के बारे में। एक और कहानी भी है, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन को बर्थडे में जो गिफ्ट मिला था वो मैग्नेट था, और उसके बाद उसने लिखा है कि वो बचपन का समय था और वो घंटों उसी मैग्नेट के पीछे पड़ा रहता था। वो चेक करता था कि इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं, इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं, क्यों नहीं करेगा, कितने दूर से करेगा, ये सारा चीज उसके दिमाग किसको, हाँ मैग्नेटिक कंपास मिला था, यस मैग्नेटिक कंपास ही मिला था या मैग्नेट मिला था। देर इज नो मैग्नेटिक कंपास, इज ए टीनी मैग्नेट, ठीक है, जिसको खेलने के लिए या देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हमारे मोबाइल में हमारा डिजिटल मैग्नेट है, कंपास निडल है, तुम अगर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड इट, ठीक है। इट इज़ वेरी एसोसिएटेड विद द गूगल मैप। एनीवे, तो ये सब कहानी है, बट द रियलिटी इज दैट कि वो कैसा मटेरियल होता होगा, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर इस तरह का प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है। जबकि हमने अभी तक पढ़ा कि कोई कंडक्टर में जब करंट मूव करता है तो ही उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। और अगर हमको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो इस कंडक्टर को हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और ये भी तुम्हारा वैसा ही काम करता है जैसा एक मैग्नेट करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और भी इसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका है तुम्हारा, सबसे पहले इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाता है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाता है, हार्ड आयरन कोर क्यों नहीं रख दिया जाता है, इसके पीछे कुछ वजह होगा, वो वजह इस चैप्टर में उनको जानने को मिलेगा। और भी अगर ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होता है तो हम लोग एक सिलेंड्रिकल कोर लेते हैं सॉफ्ट आयरन का, और वहाँ पे तुम्हारा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है टेम्पररी है, एज मच एज टाइम द करेंट विल पास थ्रू दिस इक्विपमेंट देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट सीजेज ऑफ, तो फिर तुम्हारा करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन एक नेचुरल मैग्नेट के पास उसके पास उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने की का कैपेसिटी है, और वो हमेशा उसके पास रहता है। अगर आप किसी भी पुराना स्पीकर का मैग्नेट देखते हो, पुराना वगैरह घर में होगा भी, तो काफ़ी लंबे समय से वो अपना प्रॉपर्टी को हायर करके रखता है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे है जिसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात जो करेंगे कि हमारा जो अर्थ है, कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, पॉइंट्स रिगार्डिंग नेचुरल मैग्नेटिज्म, पॉइंट्स
रिगार्डिंग नेचुरल मैग्नेटिज्म। पहला, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज मैग्नेट। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यह हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और कोई भी चीज को अगर हमको फ्रीली सस्पेंड करना हो तो वो तो अर्थ के सरफेस से ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो इसके पीछे कौन फोर्स काम करता है, हु अफेक्टिंग दिस मैग्नेट टू अलाइन विद द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, उसको कैसे वो इंडिकेट कर देता है, ठीक है। हम फिर बाद में फिर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर वही आ जाता है। तो हो ना हो ऐसा माना गया कि इट इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देख रहे हैं कि अगल बगल कोई मैग्नेट नहीं है, तो फाइनली लोगों ने या जानकारों ने या साइंटिस्टों ने पता लगाया कि नहीं, अर्थ इटसेल्फ इज ए मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ साउथ है, इसी को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। उसके बाद बार मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो तुम्हारा एक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, ए बार मैग्नेट मैग्नेट शोज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द अर्थ एज मैग्नेट। ये दूसरा चीज है जो हम लोग को जानना है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बहुत आसान है, जो सब कोई बच्चे लोग अपने 7-8 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हम करते हैं कि ए मैग्नेट हैज टू पोल एंड सिमिलर पोल रिपल्स ईच अदर एंड द सिमिलर फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल पोल्स अट्रैक्ट। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी यह है कि वी कैन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको प्रीवियस कॉन्सेप्ट से तुमको अलग करेगा। वी कैन नॉट आइसोलेट आइसोलेट ए पोल, यानी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दे कोएग्जिस्ट, वो एक साथ होते हैं, ठीक है। माने दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि अगर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर हम चाहते हैं कि अरे इस साउथ पोल को हम अलग रखते हैं, नॉर्थ तुम ले लो, ठीक है, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो नतीजा ये होगा कि जिस तरफ तुम्हारा नॉर्थ था उसके अपोजिट में साउथ डेवलप हो जाएगा, जिस तरफ साउथ था उसके अपोजिट में अगेन नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, और ये फिर एक मैग्नेट हो जाएगा। बट इसका प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ एक वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, वो तुम्हारा घट जाएगा, लेकिन
जिस नॉर्थ को हम अलग किए थे वो अलग नहीं होगा, और जिस साउथ को हम अलग किए थे वो अलग नहीं होगा, बल्कि उसके साथ नॉर्थ एसोसिएट होके आ जाएगा। फिर अगर और छोटा करेंगे तो भी यही हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, और छोटा करेंगे तो यही हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों जो है काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड। ये तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। और सबसे बड़ी बात है, इट इज़ पॉसिबल टू मैक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय, और ये काम की बात है। इट इज पॉसिबल टू मैक ए मैग्नेट विथ आयरन एंड इट्स एलॉय। एलॉयज मीन्स आयरन के साथ बहुत सारे अदर मेटल्स को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और उससे जो बनता है दैट इज एलॉय। वी हैव स्टडीड इट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुम पढ़े हो एलॉय क्या होता है। तो आयरन और उसके एलॉय से हम मैग्नेट बना सकते हैं, यानी जो मैग्नेट तुम स्पीकर में देखते हो, यहाँ पे जो स्पीकर है और कहीं भी जो स्पीकर जो तुम्हारा यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, दे आर मैन मेड, ना कि वो सीधे नेचुरल मैग्नेट है कि जो किसी ये से उठा के लाया गया है। अभी भी मिलता है और मेरे पास है, मेरे घर में घाटशिला में है, वो ब्राउन कलर का पत्थर है और वो लाया गया था तुम्हारा नुआमुंडी से। नुआमुंडी में आयरन ओर का खदान है और वहाँ से लाया गया था, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, इस तरह से बेढंगा है, लेकिन कोई भी नेल को सामने लाते हैं तो वो खींच लेता है। इसका मतलब उसके पास मैग्नेट है, और जिसके पास इस तरह का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग शायद मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट ओर, Fe2O3, क्या क्या उसका और केमिकल नाम होगा तुम देख लोगे, तो मैग्नेटाइट। और उसके बाद हम लोग जिस चीज़ को जानेंगे कि हाँ मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, हेमाटाइट ज़्यादा मिलता है, हाँ वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, मैग्नेटाइट जो है काफ़ी रेयरली अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नेचुरली मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। एनीवे, अब हम लोग जैसे बात किए कि आयरन इट्स एलॉय, तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसको मैग्नेट आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है उसमें भी जो नाम आता है दैट इज आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, ये वो मेटल्स है जिनको मैग्नेट आसानी से खींच लेता है, ठीक है, अदर मेटल्स को नहीं खींचता है या इतना कम फोर्स एग्जर्ट है कि वो हमको नज़र में नहीं आता है, ठीक। अब हम लोग फिर से शुरू करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट जो है हमारा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड में अगर देखा जाए तो फर्क कंस्ट्रक्शन का है, जबकि काम दोनों एक ही करते हैं। बोलो कुछ बोल। अगर ऐसा कहा जाता है कि हम सोडियम में, ठीक है, सोडियम से हम गोल्ड बना सकते हैं, बट ये प्रोसीड्यूर कितना लंबा हो सकता है तुम सोच सकते हो, क्योंकि सोडियम में और गोल्ड में फर्क इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बनाया जा सकता है बट इट मे बी वेरी, व्हाट यू से, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अगर ऐसा होता कि अगर ये आसानी से बन जाता तो आज दुनिया में सोने की, सोना का जितना जो ज़रूरत है, ठीक है, सोना
जो कहता है कि हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का एक सिंबल है, तो लोग आसानी से बना सकते थे। लोग तो ऐसा कहते हैं कि सोना बनाने का, कन्वर्ट करने का कुछ जो प्रोसेस है वो हमारे मिस्टिकल बुक्स में दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, श्री सूक्त, है ना। उसमें कहा गया कि सोना भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं हुआ है कि किसी भी मेटल को हम मैग्नेट बना दें। हाँ, किसी भी मेटल के वायर को अगर हम सोलेनोइड बना दें, इसमें करंट पास करा दें, तो जब तक करंट उसमें मौजूद रहेगा तब तक तो वो मैग्नेट रहेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज वैनिश हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे सॉफ्ट आयरन कोर कि वाई सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर रिटेन या उसको माने ये करके रखता है अपने साथ, उस प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रखता है। तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, बिजली दुकान जाना या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दुकान जाना, वहाँ पे तुमको उसका जो इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर होगा, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जो होगा क्या करता है, उन लोग के पास मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट उसको रगड़ देता है। रगड़ देने के बाद कोई भी स्क्रू ड्राइवर को जब उसको स्क्रू लगाना होता है तो स्क्रू को टच करता है, ठीक है, इसमें लटका हुआ रहता है कुछ समय के लिए, और तब तक वो उसको होल में पुश कर देता है। तो इसका मतलब है कि अगर थोड़ा देर के लिए इसको मैग्नेट के साथ हम रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आएगा कि ये तुम्हारा 10 ग्राम का नट उठा ले, छोटा छोटा नट को उठाने के लिए यूज़ करता है। या फिर तुम, अभी तो आजकल वैसा घड़ी लोग पहनते नहीं हैं, अभी तो सब डिजिटल वाला घड़ी पहनते हैं, तो डिजिटल घड़ी पहनने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। पहले वाले जो ज्वेल्स वाला जो घड़ी होता था उसमें छोटा छोटा ये होता था, अभी भी तुम्हारे मोबाइल के ढक्कन में छोटा छोटा सा नट होता है, उस नट को सही जगह पर रखने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है उसको तुम्हारा मैग्नेट में थोड़ा सा घिस देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, उसको टच करते हैं और होल में डाल देते हैं और नट को टाइट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है अपने अंदर रखता है, कौन इस प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रख सकता है, ये स्टडी हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और क्या है जी, फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्रेजेंट हम लोग बार मैग्नेट के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं कि बार मैग्नेट इज इटसेल्फ लाइक ए सोलेनोइड। तो एक बार मैग्नेट ऐसा क्या है कि हम उसको सोलेनोइड से कंपेयर कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस बार मैग्नेट में इमेजरी बहुत सारा कॉइल्स जो सोलेनोइड में पड़े थे है, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इनविजिबल करंट। करंट तो ऐसे भी इनविजिबल है, लेकिन जिसमें करंट दिए बगैर यानी पावर सप्लाई दिए बगैर उसमें करंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। अभी हम जब कंपेयर करेंगे तो बड़ा सरप्राइज होगा कि ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। और ये जो तुम्हारा सोलेनोइड है, ये मैग्नेट तब है जब यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई सप्लाई दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल्फ सस्टेन्ड करंट जो है तुम्हारा मूव कर रहा है नेचुरली। ये सरप्राइज नहीं है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। यानी ये बार मैग्नेट कैन बी कंसिडर्ड एज सोलेनोइड, और सोलेनोइड में भी हमारा दोनों पोल होता है साउथ एंड नॉर्थ, क्योंकि सोलेनोइड का दो फेस होता है, एक फेस जिसमें हमारा करंट क्लॉक वाइज घूम रहा है वो फेस हमारा साउथ है, और जिस ऑपोजिट फेस में हम से देखेंगे तो हमको लगेगा वहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, वो है नॉर्थ। इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये देखो, ये रहा, देखो इसका डायरेक्शन,
ये क्लॉकवाइज है और ये हमारा ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, बोथ आर इक्विवेलेंट। अब हम लोग जिस चीज के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था, ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन फोर्स भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। हमारा सबसे बड़ा बात तो यह है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिनेंट फ्रॉम नॉर्थ पोल, और वो नॉर्थ से निकलता है और इन्फिनिटी में जाता है। साउथ पोल क्या होता है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि चार्ज वहाँ पे एंड करता है। और जब हम डाइपोल का बात करेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं ना, ये पैटर्न तुम्हारा मैग्नेट का है। मैग्नेट में हमेशा कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो एग्जिस्ट करता है। और एक मैग्नेट को जब हम लोग, अगर एक मैग्नेट को हम यहाँ रखते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, आयरन का जो स्मॉल पाउडर टाइप का होता है, फाइलिंग्स जो होता है, फाइलिंग्स होता है, उसको अगर हम लोग धीरे धीरे उस पर फेंकते हैं तो हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह को देखने को हमको मिलता है, इस तरह से हमको देखने को मिलता है। और ये पैटर्न ये बताता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इट मेक मैक्स ए क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बनाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर ये नॉर्थ से अगर ये निकलता है, ये साउथ में जाता है, तो फिर ये वापस यहाँ लौटता है, ठीक है। दिस मैक्स ए क्लोज लूप, ठीक है। और ये कुछ और नहीं, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, ये हमको देखने को नहीं मिलता है। हम इसको रियलाइज कर सकते हैं इस तरह से एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये नेकेड आई से देखने वाला चीज़ नहीं है कि हमको लाइन ऑफ फोर्स दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमको बहुत कुछ गाइड करता है। पहला बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में था, द टेंजेंट टू टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट के बात करेंगे, तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, बिकॉज इफ विल दे क्रॉस देर विल बी टू डायरेक्शन एट ए टाइम। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर एक और फील्ड लाइन ऐसा है, अब इस यहाँ पे देखो तो इसका एक तो ये वाला हुआ, इसका तो ये वाला होगा, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, जो कि लॉजिकली सही नहीं है, थ्योरेटिकली सही नहीं है। सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दीज आर द पॉइंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, यहाँ हम लोग ये करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा मेरे फील्ड लाइन से काफ़ी क्लोज है, देयर क्लोजर, यहाँ क्लोजर है, बहुत सामने सामने है। नतीजा यह है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ लाएंगे तो जितना तेजी से खींचेगा उतना तेजी से यहाँ पे नहीं खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब देख रहे हैं फील्ड लाइन्स आर नॉट सो क्लोज, दे आर फार्दर अपार्ट, दूर दूर है, तो यहाँ पे फील्ड कम होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा, उसके पोल्स पे, पोल्स पे ज़्यादा होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे घटते जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि देयर इज़ ए नल पॉइंट ऑल्सो, दोनों पोल के बीच एक पॉइंट ऐसा भी होता है जो कि नल पॉइंट भी होता है, ठीक है। चलो इसको लिखना पड़ेगा या इसको छोड़ देते हैं। एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन लोग कर पाएंगे या नहीं, हम लोग उतने हरी में नहीं आएंगे, हम लोग बहुत स्लो एंड स्टेडी भी जाएंगे। क्योंकि मैंने कल पता लगाया, बहुत सारे स्कूल मैंने कॉल किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं बाकी स्कूल के,
उन्होंने बताया कि सर हम लोग अभी करंट में ही गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि करंट पे ही फंसे हुए हैं, चाहे वो डीएवी बिष्णुपुर हो, डीएवी एनआईटी हो, या फिर जिसको स्कूल हो। और हम लोगों ने करंट को पार करके एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और दूसरे चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं। हाँ अभी तुम लोग को जो जो डाउट है उसके बारे में डिस्कस करो, जो कि तुम्हारा अलग को स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ आलोक, रोहित बाबू, राहुल प्रमाणिक, राहुल मिश्रा, क्वेश्चन जो हो तो बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन क्या? अच्छा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट इंसुलेटर, और अच्छा ठीक है, भेज देना, ओके ठीक है। और कल सैटरडे है, कल भर इस चैप्टर को हम डील करेंगे, उसके बाद मंडे से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहेगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। जो बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे आर जीनियस। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को समझ में नहीं आता ना, तो क्लास छोड़ देते हैं, और उससे बड़ा बेवकूफाना स्टेप कुछ नहीं होता है। जब आप क्लास समझ में नहीं आए ना, तब उस क्लास से चिपके रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा। कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल एक सस्पेंस फिल्म की तरह होता है, ठीक है, जो हम शुरू में जब देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि अरे ये ऐसा इसलिए हुआ था। तो बच्चे भी अगर किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पकड़े रहते हैं लंबे समय तक, तो हम समझते उसको समझ में आ ही जाएगा। पैसेंस जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता है ऑनलाइन में, तो फिर आपको अपने समझ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये एक बहाना है। एनीवे हाँ रोहित, तुम अटेंडेंस मेरे को सेंड कर देना, और टाइम देखो क्या हो गया, व्हाट इज द टाइम। नाइन हो गया, दैट मीन्स टाइम इज ओवर फॉर दिस क्लास। ओके देन, वी आर वाइंडिंग दिस क्लास, और अगर स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है तो इसको हम भेज देंगे, तुम लोग देखते रहना।